तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम, जिसको हम एक्सपर्ट सिस्टम भी कह देते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। ए बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम इज़ ए नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है दोस्तों, विच इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो कि बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर। विच is designed to solve complex problem in a particular field, जो कि डिज़ाइन किया गया है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर एक पर्टिकुलर फील्ड की। चलिए दोस्तों, इसका डायग्राम देखते हैं अब। इधर ये नॉन एक्सपर्ट यूज़र है, जिसने एक सिंपल इनपुट दिया है यूज़र इंटरफेस को। दोस्तों, यूज़र इंटरफेस नॉन एक्सपर्ट यूज़र और एक्सपर्ट यूज़र को कम्युनिकेट कराता है। ये रूल ऑफ इंजन है, ये ब्रेन है एक्सपर्ट सिस्टम का। ये नॉलेज बेस्ड है, यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज पड़ी हुई है, इंफॉर्मेशन यहाँ से ये एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज देता है। अब देखिए, एडवाइस चली गई नॉन एक्सपर्ट यूज़र। कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, एन एक्सपर्ट सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट। इसके मेन थ्री कंपोनेंट्स हैं दोस्तों। तो पहला बताता हूँ, यूज़र इंटरफेस। इट इज़ एन इंटरफेस डेट हेल्प ए नॉन एक्सपर्ट यूज़र टू कम्युनिकेट विद द एक्सपर्ट सिस्टम टू फाइंड ए सॉल्यूशन। तो दोस्तों, यह एक इंटरफेस है जो कि मदद करता है एक्सपर्ट यूज़र और नॉन एक्सपर्ट यूज़र को आपस में कम्युनिकेट कराने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चलिए दूसरा कंपोनेंट देखते हैं दोस्तों, रूल ऑफ इंजन। रूल ऑफ इंजन इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, एज इट इज़ द मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सिस्टम। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था, रूल ऑफ इंजन ब्रेन है एक्सपर्ट सिस्टम का, ये मेन प्रोसेसिंग यूनिट है एक्सपर्ट सिस्टम की। तो चलिए अब तीसरा कंपोनेंट देख लेते हैं दोस्तों, नॉलेज बेस। इन द नॉलेज बेस इज़ ए टाइप ऑफ स्टोरेज डेट स्टोर नॉलेज एक्वायर फ्रॉम द डिफरेंट एक्सपर्ट ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड। तो दोस्तों, नॉलेज बेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, स्टोरेज है जिसमें कि बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है अलग अलग फील्ड का। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए।